नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटनाक्रम की, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। गर्मी से कसमसाया हिमाचल, ऊना का पारा 33 से पार। हिमाचल में कल से शुरू होगा बजट सत्र, इस बार कोरोना के कारण होंगी केवल 17 बैठकें। सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने घेरी सरकार, आरोपों की लगाई झड़ी। नगर निगम शिमला धर्मशाला ने पेश किया वार्षिक बजट, राजधानी में बिजली शराब महंगी। शांता कुमार की पुस्तक ने खोली भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल, रामलाल ठाकुर बोले इसलिए विमोचन पर नहीं आए जेपी नड्डा। स्वारघाट में 1 किलो 790 ग्राम चरस सहित 4 गिरफ्तार, जोगिंद्रनगर में चिट्टे संग दबोचा युवक। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत नाहन के 7 प्रोजेक्ट्स को मिली वन भूमि में निर्माण की अनुमति। चंबा में भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.4 रही तीव्रता। और अब खबरें विस्तार से। साल में इन दिनों गुनगुनी धूप सेकने के आदि हिमाचल के लोग आजकल अचानक बढ़ी गर्मी से हैरान परेशान हैं। आज तो इस मामले ने मानो रिकॉर्ड ही बना लिया, हालांकि कल से शायद कुछ राहत मिल सके। फरवरी का महीना अभी बीता भी नहीं है, पर प्रदेश में जैसे गर्मी की रुत जवान होती जा रही है। सोचकर ही हैरानी होती है कि आज ऊना शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल गया। यही नहीं, बिलासपुर का पारा 30.5 जबकि हमीरपुर का 30.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बात सिर्फ इन्हीं नगरों तक सीमित नहीं, बल्कि हिमाचल के सभी मैदानी क्षेत्रों के साथ ही दरमियानी ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम में घुली गर्मी लोगों को खूब हैरान कर रही है। हालांकि नाउम्मीदी के इस वक्त में मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान राहत का पैगाम जरूर बना है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ कुछ क्षेत्रों में अंधड़ चलने के भी आसार है। अगर भविष्यवाणी सही साबित होती है तो जहां लोगों को बेमौसमी गर्मी से सुकून मिलेगा, वहीं सूखी जमीन तर होने से गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत ना होने के आसार भी बुलंद होंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने वाला है। इसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं विपक्ष भी महंगाई व बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना चुका है। कोरोना काल के बीच शुक्रवार से हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का 11वां बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। कोविड गाइडलाइन के बीच इस बार सदन में जनता से जुड़े मुद्दे गूंजेंगे। 20 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में केवल 17 बैठकें ही आयोजित होंगी। इसके साथ ही 6 मार्च को सीएम जयराम ठाकुर वर्ष 2021 और 22 का बजट पेश करेंगे। 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र आरंभ होगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि इस बार विधानसभा में प्रश्नों से संबंधित जो सूचनाएं सदस्यों से प्राप्त हुई हैं, वे मुख्यतः बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी, सड़कों की दयनीय स्थिति, स्वीकृत सड़कों की DPRS, महाविद्यालयों, स्कूलों, विभिन्न विभागों में रिक्त पद, पर्यटन, उद्यान, पेयजल की आपूर्ति, नशाखोरी, बढ़ते आपराधिक मामलों, सौर ऊर्जा तथा परिवहन व्यवस्था पर आधारित है। हिमाचल में कल से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र में पहले आज शिमला में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी नेताओं ने अपना पक्ष रखा। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं ये विधायक। विधानसभा परिसर में गुरुवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, माकपा विधायक राकेश सिंघा और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मौजूद रहे। मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जहां बजट सत्र के आगाज को लेकर अपना पक्ष रखा, तो वहीं मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने सरकार पर कोरोना संक्रमण काल में पूरी तरह से विफल रहने का आरोप चढ़ा, साथ ही महंगाई पर सरकार को घेरा। वहीं माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि जब चर्चा के लिए मौका मिला है तो खुलकर बात होनी चाहिए और उन सभी विषयों पर चर्चा होनी चाहिए जिसको लेकर बार बार सवालात किए जाते हैं। खास तौर पे महंगाई जो है पूरे आसमान को छू रही है और प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पेट्रोल के दाम अब तो 100 रुपए के आसपास पहुंचने लगे हैं। ये वही लोग हैं
जो कि हाहाकार मचाते थे, पेट्रोल के दाम पे, डीजल के दाम पे, गैस के दाम आप देखो कि कहां पे पहुंच गए ना। ऐसा सिलेंडर जो है 900 रुपए का होने जा रहा है। ये एक मुफ्त सिलेंडर की चर्चा करते थे इन, और सिलेंडर के दाम कहां पहुंचा दिए, इससे अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या क्या स्थिति आम आदमी की हुई है। तो इसलिए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, इसके साथ तो सारी महंगाई जुड़ी हुई है। सीमेंट, सरिया, ये सारे अगर आप रेट देख लें, और जो कंट्रोल करने के कानून थे वो तो सारे इन्होंने समाप्त कर दिए, जिससे महंगाई पर नियंत्रित किया जा सकता था। हिमाचल में गुरुवार को दो नगर निगमों शिमला और धर्मशाला का वार्षिक बजट पेश कर दिया गया। इस बार शहरवासियों के लिए क्या कुछ खास रहा, आइए देखें ये रिपोर्ट। शिमला में बाहरी राज्य से आने वाले वाहनों पर नगर निगम अब ग्रीन टैक्स वसूलेगा। टैक्स से निगम प्रशासन को प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी। नगर निगम ने गुरुवार को अनुमानित 222.41 करोड़ का बजट पेश किया। इसके तहत शहरवासियों को बिजली, कुरियर और शराब पर अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ेंगे। शराब पर सेस 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति बोतल कर दिया गया है, जबकि बिजली की यूनिट पर निगम ने सेस 10 पैसे से 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया है। बताना चाहूंगा 2.5 लाख की जनसंख्या विभिन्न वर्गों के साथ नगर निगम परिधि 2 भागों में बढ़ी है, पूर्व विद्यमान और सम्मिलित क्षेत्र। उस दिवस पर हमसे सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे, परंतु कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और कहीं ना कहीं दुख हुआ है कि उन किसी भी व्यवस्थाओं को बजट में शामिल नहीं किया गया। जैसे कि मेरे साथियों ने भी कहा और सारी व्यवस्थाएं भी हैं, कहीं ना कहीं ये बजट कट कॉपी पेस्ट वाला बजट है। पूरा में भी कुछ मांगे थी जो हमसे पूरा नहीं होता, हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 24.46 लाख करोड़ हम डेफिसिट पहले ही दिखा रहे हैं, जो अनुमानित लागत से व्यय की राशि है। तो कहीं ना कहीं बजट आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली कहानी है, कट कॉपी पेस्ट है, सम्मिलित क्षेत्रों का ध्यान नहीं रखा गया है। और जो विभिन्न वर्ग, कहीं ना कहीं महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनको भी हमने कहा था कि इन सभी का ध्यान रखते हुए सभी वर्गों के ध्यान कार्य किए जाए, परंतु किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। ज्वलंत समस्याएं हैं निगम परिधि की, पार्किंग को लेकर चर्चा हुई थी स्मार्ट सिटी में, परंतु कोई भी नया कार्य सृजित करने की बात नहीं की गई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बजट पूरी तरह संतुलित नहीं है। बजट ही जो है उसी की कॉपी करी हुई है। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारा जो लिफ्ट से 30% की हम लोग बोल रहे थे कि प्रॉफिट में हमारी शेयरिंग आएगी, उसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है। जो ग्रीन सेस वगैरह है वो तो हम पिछले 4 बजटों से हम सुनते ही आ रहे हैं, और जो ये सेस लगा रहे हैं ये विद्युत सेस, इस पर जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, इसलिए मैंने उसका विरोध किया है। और लास्ट बजट में इन्होंने बिजली सेस से अपना 10 पैसे के हिसाब से 2 करोड़ की अपनी इनकम दिखाई थी, और इस बार ये 10 पैसा बढ़ाने के बाद 20 पैसा जब कर दिया है, तो ये अपनी इनकम उसके थ्रू 2.25 करोड़ दिखा रहे हैं। तो वो इन्होंने आंकड़े कैसे पेश किए हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। कोरियर टैक्स का भी मैंने, कोरियर सेस का भी मैंने जो है विरोध किया है इसमें, क्योंकि जनता के ऊपर आप हर चीज़ से अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। अल्कोहल सेस का तो मैंने समर्थन किया है, और बेसिकली जनता के ऊपर बोझ डालने वाला बजट है। अपनी आमदनी के सोर्सेज इनके जो भी हैं उसमें अगर ये एक्सपेंडिचर ढंग से करें तो इनको अतिरिक्त बोझ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी जो ज़मीनें हैं ये फ्री में NOCs दे दे के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो ये बांट रहे हैं, यही कारण है जो इनकी जो इनकम के सोर्सेज अभी घटते जा रहे हैं उसके ऊपर इनको अपना कंट्रोल, अपने खर्चों पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उधर नगर निगम धर्मशाला ने 149 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, जो कि पिछले वर्ष 140 करोड़ के मुकाबले लगभग 10 करोड़ ज्यादा है। नगर निगम चुनावों को देखते हुए बजट में लोक लुभावन बातें भी नजर आ रही हैं। पूर्व मंत्री व नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने शांता कुमार की आत्मकथा के विमोचन पर जेपी नड्डा के ना पहुंचने को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री की इस पुस्तक ने भाजपा में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों को विस्तृत रूप से उठाया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की आत्मकथा निज पथ के अविरल पंथी पुस्तक ने भाजपा और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह कहना है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पूर्व मंत्री व श्री नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर का। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला की मौजूदगी में इस पुस्तक का विमोचन हुआ।
लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वहां ना पहुंचना कई सवाल खड़े कर गया है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से शांता कुमार जी ने अपनी इस आत्मकथा में भाजपा के और भाजपा सरकारों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उठाया है, उससे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को सबक लेने की आवश्यकता है। शांता कुमार इस पुस्तक के विमोचन पर जिस तरह भावुक हुए, उससे यह लगता है कि भाजपा में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत ही पुरानी और गहरी हैं। इस किताब में शांता कुमार ने अपनी 6 दशक की राजनीति में घटित हर पहलू का बेबाकी से वर्णन किया है। दिव्य हिमाचल में प्रकाशित समाचार, पंजाब में कोरोना बढ़ने से हिमाचल अलर्ट पर छपी खबर के बाद सरकार हरकत में आ गई है। इसे देखते हुए जिला शिमला प्रशासन ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। क्या है वे फैसले, इस रिपोर्ट में देखिए। पड़ोसी राज्य पंजाब में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला शिमला में स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट और टैक्सी चालकों की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। जिला में पड़ोसी राज्यों से पर्यटकों की तादाद ज्यादा है, जिसके लिए शिमला में सरकार द्वारा कोविड 19 के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करवाना आवश्यक है। इसी के चलते गुरुवार को जिला प्रशासन ने बैठक कर यह फैसला लिया है। उपायुक्त ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए बताया कि बसों में ओवरलोडिंग, सैनिटाइजेशन व मास्क का प्रयोग करना सुनिश्चित करें। उधर हमीरपुर के भोटा सीनियर सेकेंडरी व प्राइमरी स्कूल में 50 रैपिड एंटीजन टेस्ट लिए गए, जिसमें से 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें स्कूल की 2 अध्यापिकाएं, 1 मिड डे मील वर्कर और 1 अन्य कर्मचारी शामिल है। नशा हिमाचल का पीछा छोड़ता नजर नहीं आ रहा है। आए दिन यहां नशा तस्करी के मामले पहुंच रहे हैं। अब स्वारघाट और जोगिंदरनगर में चरस व चिट्टा बरामद किया गया है। स्वारघाट पुलिस को बुधवार देर रात एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कुल्लू व हरियाणा के 4 युवकों को 1 किलो 790 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया है। हुआ यूं कि पुलिस ने बनेर नामक स्थान पर नाका लगाया हुआ था और इसी बीच हिमाचल नंबर की गाड़ी को संदेह के आधार पर रोका गया। गाड़ी में कुल्लू के 2 युवकों से 1 किलो 790 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे हरियाणा के 2 युवकों को चरस की सप्लाई देने जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने हिमाचल के एंट्री पॉइंट गरा मोड़ा स्थान पर हरियाणा के 2 युवकों को कार सहित गिरफ्तार कर लिया। और इस गाड़ी की चेकिंग के दौरान गाड़ी से 1 किलो 790 ग्राम जो है चरस बरामद हुआ। उधर जोगिंद्रनगर पुलिस ने नाके के दौरान 8 ग्राम चिट्टे व इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता गलू के पास लगाए गए नाके के दौरान हाथ लगी है। अरसे से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के जाल में उलझे नाहन विधानसभा क्षेत्र के 7 बड़े प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है। इनके निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिलने के बाद अब लोगों को जल्द ही सुविधा प्रदान की जाएगी। वनवृत्त नाहन के तहत फॉरेस्ट डिवीजन नाहन में आने वाले वन क्षेत्र में रुके हुए 7 कार्य पूरे हो पाएंगे। नाहन विधानसभा क्षेत्र के 7 प्रोजेक्ट्स को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इन 7 प्रोजेक्ट्स की चपेट में 1,271 पेड़ आएंगे। फिलहाल अब 6 लिंक रोड सहित औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में 220/132 केवी व 2/160/200 MVA सब स्टेशन अंधेरी का निर्माण भी हो पाएगा। वहीं FCA के तहत लोक निर्माण मंडल नाहन के तहत जैंथल घाट से डंडोर तक 7.5 किलोमीटर लंबे लिंक रोड को गति मिलेगी। इसके अलावा लिंक रोड जाबल कनोटी से सुरला आमटा, पुडला से बनूक सुरला, अपर सुरला रोड, बोलियों से हरिपुर नलका तथा थाना कशोका से तिरमली दयाट लिंक रोड निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। जनजातीय जिला चंबा में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि झटके हल्के थे, लेकिन जनता में दिन भर दहशत का माहौल रहा। चंबा जिला और इसके आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार तड़के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.4 मापी गई है। भूकंप तड़के 3:55 पर आया। इसकी पुष्टि मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की है। भूकंप से कहीं भी जानमाल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि इससे पहले बिलासपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई थी। और अब चलते चलते मुख्यमंत्री ने किया ई परिवहन सुविधा का शुभारंभ, RTO दफ्तर के चक्करों से छुटकारा। बिलासपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, स्वारघाट में पकड़ी 2.25 किलो चरस। कारागार विभाग के 22 अधिकारियों और कर्मचारियों को DGP डिस्क अवार्ड।
और HRTC को 400 ड्राइवर जल्द, सभी नव चयनित चालकों का प्रशिक्षण शुरू। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटनाक्रम से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।